अमरोह SDM में रॉयल्टी जमा न करने वाले 7 भट्टों को किया सील, अन्य लोगों को दी चेतावनी। बता दें कि अमरोह तहसील क्षेत्र के SDM शशांक चौधरी जो IAS अधिकारी हैं और उन्होंने अमरोहा में हाल ही में उप जिला अधिकारी का चार्ज संभाला है, उन्होंने अमरोहा में चार्ज संभालते ही बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। आज उन्होंने 7 भट्टों को रॉयल्टी जमा न करने के मामले में सील कर दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने रॉयल्टी जमा नहीं की थी, चेतावनी के बावजूद ये लोग रॉयल्टी जमा नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको सील कर दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि अगर आगे भी कोई भट्टा स्वामी ऐसा करेगा तो उनके भट्टे को सील कर दिया जाएगा, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम और बड़ी कार्यवाही करेंगे। 7 भट्टों के सील की कार्यवाही से भट्टा मालिकों में हड़कंप मच गया है। SDM ने कहा कि किसी के साथ भी बख्शीश नहीं होगी। ये भट्टों का मामला ये है कि इनकी इस साल की 19-20 की रॉयल्टी अभी तक जमा नहीं है, तो इनको हमने कई बार बताया भी, लिखा पढ़ी में भी इनको नोटिस दिए गए कि इनकी अभी तक जमा नहीं है, लेकिन इनके द्वारा अभी तक जमा नहीं की गई है। तो इन भट्टों की ईंटों को और इनके ऑफिसेस को आज हमने सील कर दिया है। जब तक ये रॉयल्टी जमा नहीं करेंगे तब तक ये सीलिंग नहीं खुलेगी, जब रॉयल्टी जमा करते ही ये खोल दी जाएगी और ये अपना कारोबार आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कितने भट्टों पर कार्रवाई हुई? अभी फिलहाल तो 2 भट्टों पर कार्रवाई हुई है, अभी और भट्टों पर भी कार्रवाई होगी।